अंततः आप देखेंगे, कहा जाता है कि कहानी आगे बढ़ती है और अंततः अगस्त का समय था, 1945 की बात है। बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे नेताजी, और यही रास्ते में आप देखेंगे फार्मोसा द्वीप है। फार्मोसा हवाई द्वीप पर विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब ये घटना 18 अगस्त 1945 को मानी जाती है, 18 अगस्त 1945 को। देखिए, कई मतलब इनके मृत्यु को लेकर के कई तरह के संशय हैं, कई तरह की बातें हैं, और कहा जाता है कि अभी तक ठीक डेट क्लियर नहीं हो पाया है। कई बार तो ऐसी ऐसी बातें मार्केट में आती थी। मार्केट में क्या, अब सीधे आप लोग तो जान ही रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा हैं। कई लोगों को सुनने में भी आता था कि भाई उनके लोगों ने देखा ऐसा है वैसा है, गुमनामी बाबा के नाम से। लेकिन खैर, उन सब पर बात नहीं, नेताजी की मृत्यु हो गई थी, ये सच्चाई है। सच्चाई इसलिए कि इतने लंबे अवधि तक जिंदा रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूँ, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उधर 1945 में आप देखेंगे कि 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना, आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, और इसके बाद उस घटना के बाद ही आप देखेंगे कि फिर समर्पण की बात आ गई और विश्व समाप्त हो गया। विश्व समाप्त होने के बाद जो आज़ाद हिंद फौज के मतलब लोग थे, बड़े अधिकारी थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने जो है कई कमान बना डाली थी, जिसमें कई ब्रिगेड बनाए उन्होंने। नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड भी बना, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड महिलाओं का जो बना, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो उसको भी आप लोग विशेष में ध्यान देंगे। लेकिन इसके बाद जब विश्व समाप्त हो जाता है और ये सारी बातें होती हैं, उसके बाद जब सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उनके ऊपर मुकदमा चलता है, और उस मुकदमे को लाल किले का मुकदमा कहा जाता है। तो एक बार जरा उस पर पॉइंट आउट कर लीजिए, लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा। कहा जाता है कि जब इन सैनिकों के ऊपर लाल किले का मुकदमा शुरू हुआ, तो देखिए अभियुक्त कौन कौन था, पहले उस नाम को आप लोग नोट कर लीजिए। अभियुक्त कई बार पूछा गया है, अभियुक्त में आप देखेंगे राशिद अली, प्रेम सहगल सब नेताजी के साथ थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, अगला नाम शहनवाज, ठीक है। तो इसमें इन तीनों को मृत्युदंड दिया गया था, मतलब अनाउंस हुआ मृत्युदंड, और इनको आजीवन 7 वर्ष का कारावास, ठीक है, 7 वर्ष का कारावास। कहा जाता है कि इन अभियुक्तों को या इनके तरफ से वकील के रूप में कौन कार्य किया भाई, तो वकील के रूप में कार्य करते नहीं, बचाव समिति की सीधी मैं बात करूं, बचाव समिति कौन बनी, तो बचाव समिति में आएंगे वकील में जो नेतृत्व कर रहे हैं बचाव समिति के, भूला भाई देसाई। तो भूला भाई देसाई जो है ये नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य के रूप में कौन कौन था, तो अन्य के रूप में तेज बहादुर सप्रू, ये नाम भी याद रखिएगा सप्रू। इसके बाद कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। कहा जाता है कि लोग मतलब उस समय
इस कदर नाराज थी, जनता ऐसे ऐसे नारे दे रही थी कि लाल किले को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, चारों तरफ से। अब जब ये दबाव आया कि लाल किले को तोड़ दो, समझिए लाल किले को तोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। और इस समय स्थिति आप देख ही रहे थे, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो कितनी बड़ी कहानी हुई थी, 42 का आंदोलन भी हुआ था, विश्व युद्ध भी। तो उस समय वायसराय कौन था भाई? उस समय वायसराय थे, वायसराय की अगर मैं बात करूं तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवल। उनके पास विशेषाधिकार था, लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को मतलब माफ कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नोट लिखिएगा, नोट, वायसराय लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। तो ये थी कहानी उन रणबांकुरों की, या उन रणबांकुरों में से जो शीर्ष पर जिसको आपने देखा, जो किस तरह से मजबूत करते हुए अपने आप को आगे बढ़ें।